एक दूजे के वास्ते। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया ना श्रम, कि मैं तुमसे गुस्सा हो सकती, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती। हाँ सर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है, आजा आजा बेटा, कब से तेरा वेट ही कर रहे थे। सुमन कहाँ है? सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। अरे श्रवण, आज पंडित जी आ रहे हैं, उनके साथ शादी की डेट फाइनल कर लेना और आयन के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना बेटा। जी पापा। देखो भाई, हमने तुम दोनों की शादी अच्छे से करवा दी, अब अवनी की शादी की पूरी ड्यूटी तुम दोनों की। सब कुछ अच्छे से संभालना है, इधर डेट पक्की हुई उधर तैयारियां शुरू। हाँ जी मम्मी। अरे तुम दोनों कल गए थे ना रमेश भाई साहब और बीना जी से मिलने के लिए, क्या बात हुई? एक्चुअली बात तो हो गई है चाची। अच्छा, सब फाइनल हो गया? नहीं, वो अभी क्या ना मम्मा, सिर्फ बात शुरू हुई है और ऐसी चीजों में तो आपको पता कितना टाइम लग जाता, तो अभी कहां से फाइनल होगा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे सुमन, श्रवण तो अभी खा ही रहा है और तूने भी कुछ नहीं खाया है, एक काम कर चाय पी ले, फिर उसके बाद तुम दोनों साथ में चले जाना। अवनी चाय लेना। नहीं मम्मी, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, सच में मेरी मीटिंग है तो पहले दुआ सर के यहीं जाना है, उन्होंने गाड़ी भेजी है, तो अब टेंशन मत लो, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। ठीक, चलती हूँ। झुमरी दी, मेरे लिए प्लीज एक परांठा लेके आना। अरे कंचा, तुम्हारे जो बार बार सारी सारी सुन के ना हमको बुरा लग गया है, ऐसे भी जो बोला वो मम्मी जी ने बोला ना, तुमने तो नहीं, तो फिर तुम नहीं। बंटी तुम खराए और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूँ मम्मी पापा का कंसर्न, पर बस लगा कि उन्हें भी हमारी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। तकदीर वाली हो तुम कंचा, कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं। देखो तुम ना ऐसा समझ लियो कि आंटी जी हमारे में गलती नहीं बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा चाह रही थी। वाह वाह, वो कुछ भी बोल रहे थे और अब तुम भी उनकी साइड ले लो। अरे सब तुम्हारे साइड में है, वो भी और हम भी, और वैसे भी आंटी जी जो भी कह रही थी ना हम वो सब कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? और वैसे भी हमारे पास ना कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो उन पैसों से और बाहर से कुछ लोन वोन लेकर ना हम घर का इंतजाम कर लेंगे, पर तुम चिंता मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं तो आज ही जाके पापा से बात करूंगी कि। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो हम बात संभाल लिए ना, तो फिर तुम हमारे लिए अपनों से बात क्यों बिगाड़ रही हो? मत करो ऐसा। देखो कंचा, जो माँ बाप तुमसे इतना प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। ओके ओके फाइन, पर एटलीस्ट ये तो बात कर सकती हूँ कि शादी नहीं तो कम से कम हमारा रोका करवा दे, और फिर जब मम्मी के हिसाब से तुम सेटल हो जाओगे तब शादी कर लेंगे, तुम क्या बोलते हो? अभी भी याद है वो वक्त मुझे, जब ये सिर्फ एक सपना था कि तुम मेरी हो जाओगी, एक दूसरे के लिए हर मुश्किल हर किसी से लड़ सकते थे हम, याद है? कब एक दूसरे के लिए दुनिया से नहीं, हम एक दूसरे से ही लड़ने लग गए सुमन। तुमसे लड़ना जान ले लेता है मेरी, मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ, तुमसे रूठ सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, पर तुमसे दूर दूर नहीं रह सकता तुमसे सुमन। प्लीज वापस आ जाओ सुमन, जो भी हुआ ना हमारे बीच आओ हम दोनों भूल जाते हैं, तुम बस वापस आ जाओ।
भैया नाश्ता रेडी है, जल्दी से चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो तू जा, मुझे भूख नहीं। आपको नहीं है, सुमन भाभी वो तो खाएंगी ना। भैया मैंने कहा ना तुझे, क्या मतलब है भूख नहीं है? और रात को भी नहीं आया क्या खाने पे? पता नहीं ताऊ जी, जैसा उनका मूड था, मैंने तो ज्यादा इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने जो बोला जितना बोला बस आकर आपको बता दिया। लो आ गया श्रवण जी। आइए मेजर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रेडी फॉर ड्यूटी? श्रवण तूने अचानक से खाना कम क्यों कर दिया है? और भूख क्यों नहीं लग रही तुझे? कल रात में भी कुछ नहीं खाया था। और सुमन कहाँ है? अभी अभी तो अपने चाचा चाचे के यहाँ है। कल शाम तक भी तो वहीं पर थी ना, अभी भी नहीं आई? अभी भी वहीं है एक्चुअली, वो कल रात को वापस नहीं आई। वापस नहीं आई मतलब? तेरी उससे लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो फिर हुआ क्या? और वो आई क्यों नहीं अभी तक? देखो हम सब जानते हैं वो बहुत जिम्मेदार लड़की है, वो ऐसे ही किसी को बिना बताए जाएगी नहीं। अरे बेटा आजा आजा, देख सब तुझे कब से याद कर रहे हैं। सॉरी पापा, एक्चुअली मैं कल रात को ही वापस आ जाती, पर खेलते खेलते वीर के पैर पर चोट लग गई तो बैंडेज कर रही थी, जब निकल के घर के तरफ आने लगी तो उसने जिद की कि मैं रुक जाऊं, तो रुकना पड़ गया। उत्तर अच्छा किया रुक गई तो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी को घर पे बता के जाया कर, चिंता लगी रहती है ना। मम्मी मैंने बताया था, पता नहीं मेरा फोन भी बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था, तो चाची के फोन से श्रवण को मैसेज किया था मैंने। आपके फोन को हुआ क्या? पता नहीं, कंचा को दिया है ठीक करवाने के लिए, पर आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फोन के बिना। खैर ये सब छोड़ो, आके नाश्ता कर। जी मैं बस दो मिनट में आई। जल्दी आना। जी जी। ये वहां वीर का ध्यान रख रही थी और मैंने यहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्या सोच लिया और उसे मैसेज भी कर दिया। अगर वो मैसेज सुमन ने पढ़ लिया तो बहुत हर्ट हो जाएगी वो। गुस्से में ऐसे दिमाग पर कंट्रोल कैसे खो बैठा मैं? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे कि गुस्से में मैसेज कर दिया सुमन को? अगर मैसेज पढ़ लिया तो कभी माफ नहीं करेगी वो मुझे। कैसे रुकूं अब उसे मैसेज पढ़ने से? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।